সরাই পারবনে দাসাইতে মনে মন তিনি সাজাওয়া কান খুশিতে মনে হলা কান বাই বাইতে বাই বাইতে সাজাও সপনা কান বাই বাইতে বাই বাইতে সাজাও সপনা কান। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियदर्शनी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अभी मैं जो गाना गा रही थी ये सांताली लैंग्वेज में सोहराई सॉन्ग है। सोहराई परब हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और आप लोग जैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हो वैसे हम दिवाली के तुरंत बाद ही फसल काटने के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप सभी को दिवाली और सोहराई परब की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ और टाइम पे सब सारे वीडियो शूट कर लिया था, बस अपलोड करने में लेट हो गई, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। सोहराई परब के अवसर पर हम आदिवासी संथाल अपने घरों के दीवारों पर ऐसे पेंटिंग करते हैं, दीवारों को ऐसे सजाते हैं पेंटिंग के जरिए। ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाओ, अगर आपको किसी के घर के दीवारों पर ऐसे कलरफुल स्ट्रिप्स और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के फूल और पशु पक्षी पेंट किया हुआ देखने को मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वो एक आदिवासी संथाल का घर है। और अभी जब मैं मोबाइल ट्राइपॉड में रखकर शूट कर रही थी तो काकी सासुमा देख रही हैं कि मैं शूट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि हाँ आप भी कैमरे में आ रहे हो, तो वो हंस के चली गई। सोहराई में दीवारों पे जो पेंटिंग की जाती है वो मिट्टी की मूल रंग से ही की जाती है। मिट्टी से बनी हुई जो कच्चे घर होते हैं उसमें अलग अलग रंग के मिट्टी से दीवारों पे पेंटिंग की जाती है, लेकिन ये जो घर है हमारा ये बिल्डिंग पक्का घर है तो इसलिए मैं कलर पेंट से पेंटिंग कर रही हूँ ताकि कभी बारिश भी हो जाए तो कलर छूटे ना और ज़्यादा दिन तक टिकी रहे। घर का सारा काम ख़त्म करके 10 बजे से इसी काम में लगी हुई हूँ, आधा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और चलिए अभी देखते हैं गांव के दूसरे महिलाएं, बहू बेटियां अपने अपने घर के दीवारों को कैसे सजा रहे हैं पेंटिंग के जरिए, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मिट्टी के मूल रंग से ही दीवारों पे पेंटिंग की जाती है,
वैसे पहले जैसे सारे रंग की मिट्टी आसानी से मिल जाती थी, पर अभी समय के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज हो रहे हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाली मिट्टी के रंग के जगह अभी बाज़ार में रेडीमेड मिलने वाली कलर ने जगह ले ली है। स्थानीय इलाका मतलब उसी इलाके में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली मिट्टियों से ही पेंटिंग की जाती है। स्थानीय मिट्टी रंग के हिसाब से सिर्फ 4-5 रंगों का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। जैसे कि पास के खेतों से ये पीली मिट्टी लाई गई है और पीली मिट्टी से दीवारों पे पहले लेप चढ़ाया जाता है, उससे दीवारों पे हल्का सा एक पीला रंग आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सीधी लाइन खींचने के लिए ज़्यादातर धागे का इस्तेमाल किया जाता है। सासांग हासा पूजा। और ये पीली मिट्टी का रंग चेंज करने के लिए आग में जलाया जाता है। जलने के बाद कुछ इस तरह का रंग आता है और ये गेरुआ रंग को और भी थोड़ा सा गाढ़ा रंग देने के लिए मिट्टी को पानी में मिलाकर चूल्हे में उबाल आने तक गर्म किया जाता है। और जो पेंटिंग मैंने आधा अधूरा छोड़ा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये रही फाइनल लुक, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबका फाइनल लुक प्रीवियस वीडियो में है, पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, बाय।